Shut up and sit down. Hello students, welcome to day 15 of English sentence construction videos. In this video, we are going to study I plan to plus verb. अब देखिए प्लानिंग करने का मतलब क्या होता है, योजना बनाना, आप क्या करने वाले हैं उसका आप प्लान करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पे क्या क्या सेट्स होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन, इंटरोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। आई प्लान टू, मैं यह करने की योजना बना रहा हूं। आई डू नॉट प्लान टू, मैं यह नहीं करने की योजना बना रहा हूं। डू आई प्लान टू, क्या मैं यह करने की योजना बना रहा हूं। डोंट आई प्लान टू, क्या मैं यह करने की योजना नहीं बना रहा हूं। हमेशा की तरह हम लोग एक पेपर लेंगे एंड वी विल कंस्ट्रक्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस इन दिस वीडियो। आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ओके। आई प्लान टू, मैं यह करने की योजना बना रहा हूं। ही प्लान्स टू, वह यह करने की योजना बना रहा है। शी प्लान्स टू, वह यह करने की योजना बना रही है। इट प्लान्स टू, यह करने की योजना बना रहा है। वी प्लान टू, हम यह करने की योजना बना रहे हैं। यू प्लान टू, आप यह करने की योजना बना रहे हैं। दे प्लान टू, वे यह करने की योजना बना रहे हैं, ठीक है। आई डू नॉट प्लान टू, हम यह करने की योजना नहीं बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से यह बनता है, बहुत ही सिंपल है। ही डज नॉट प्लान टू, वह यह करने की योजना नहीं बना रहा है। शी डज नॉट प्लान टू, वह यह करने की योजना नहीं बना रही है। इट डज नॉट प्लान टू, यह करने की योजना नहीं बना रहा है। वी डू नॉट प्लान टू, हम यह करने की योजना नहीं बना रहे हैं। यू डू नॉट प्लान टू, आप यह करने की योजना नहीं बना रहे हैं। दे डू नॉट प्लान टू, वे यह करने की योजना नहीं बना रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, अब इसका हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे पॉजिटिव। डू आई प्लान टू, क्या हम यह करने की योजना बना रहे हैं। डज ही प्लान टू, क्या वह यह करने की योजना बना रहा है। डज शी प्लान टू, क्या वह यह करने की योजना बना रही है। डज इट प्लान टू, क्या यह करने की योजना बना रहा है। डू वी प्लान टू, क्या हम यह करने की योजना बना रहे हैं। डू यू प्लान टू, क्या आप यह करने की योजना बना रहे हैं। डू दे प्लान टू, क्या वे यह करने की योजना बना रहे हैं। नाउ वी विल मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, रादर नेगेटिव क्वेश्चंस। सो डू नॉट विल बिकम द शॉर्ट फॉर्म डोंट। डोंट आई प्लान टू, क्या हम यह करने की योजना नहीं बना रहे हैं। डजंट ही प्लान टू, क्या वह यह करने की योजना नहीं बना रहा है। डजंट ही प्लान टू, क्या वह योजना नहीं बनाएगा। देखिए तो प्लान टू करना है हम लोग को, प्लान का मतलब योजना होता है। डजंट शी प्लान टू, क्या वह योजना नहीं बना रही है। Doesn't it plan to, क्या वह योजना नहीं बना रहा है। Don't we plan to, क्या हम योजना नहीं बना रहे हैं। Don't you plan to, क्या आप योजना नहीं बना रहे हैं। Don't they
प्लान टू, क्या वे योजना नहीं बना रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो हुआ ये प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए इसी को हम लोग करेंगे किसमें, पास्ट टेंस में। आई डिड प्लान टू, हम योजना बनाए थे। ही डिड प्लान टू, वह योजना बनाया था। शी डिड प्लान टू, वह योजना बनाई थी। इट डिड प्लान टू, यह योजना बनाया था। वी डिड प्लान टू, हम योजना बनाए थे। यू डिड प्लान टू, आप योजना बनाए थे। दे डिड प्लान टू, वे योजना बनाए थे। अब इसका नेगेटिव, आई डिड नॉट प्लान टू, हम योजना नहीं बनाए थे। ही डिड नॉट प्लान टू, वह योजना नहीं बनाया था। शी डिड नॉट प्लान टू, वह योजना नहीं बनाई थी। इट डिड नॉट प्लान टू, यह योजना नहीं बनाया था। वी डिड नॉट प्लान टू, हम योजना नहीं बनाए थे। यू डिड नॉट प्लान टू, आप योजना नहीं बनाए थे। दे डिड नॉट प्लान टू, वे योजना नहीं बनाए थे। अब यहां पे पॉजिटिव क्वेश्चन, डिड आई प्लान टू, क्या हम योजना बनाए थे। डिड ही प्लान टू, क्या वह योजना बनाया था। डिड शी प्लान टू, क्या वह योजना बनाई थी। डिड शी प्लान टू, डिड इट प्लान टू, क्या यह योजना बनाया था। डिड वी प्लान टू, क्या हम योजना बनाए थे। डिड यू प्लान टू, क्या आप योजना बनाए थे। डिड दे प्लान टू, क्या वे योजना बनाए थे। नेगेटिव, डिडेंट आई प्लान टू, अब देखिए डिडेंट क्या है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडेंट। ठीक है, डिडेंट आई प्लान टू, क्या हम योजना नहीं बनाए थे। डिडेंट ही प्लान टू, क्या वह योजना नहीं बनाया था। डिडेंट शी प्लान टू, क्या वह योजना नहीं बनाई थी। डिडेंट इट प्लान टू, क्या यह योजना नहीं बनाया था। डिडेंट वी प्लान टू, क्या हम योजना नहीं बनाए थे। डिडेंट यू प्लान टू, क्या आप योजना नहीं बनाए थे। डिडेंट दे प्लान टू, क्या वे योजना नहीं बनाए थे। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर, आई विल प्लान टू, हम योजना बनाएंगे। ही विल प्लान टू, वह योजना बनाएगा। शी विल प्लान टू, आप वह योजना बनाएगी। इट विल प्लान टू, यह योजना बनाएगा। वी विल प्लान टू, हम योजना बनाएंगे। यू विल प्लान टू, आप योजना बनाएंगे। दे विल प्लान टू, वे योजना बनाएंगे। आई विल नॉट प्लान टू, हम योजना नहीं बनाएंगे। ही विल नॉट प्लान टू, वह योजना नहीं बनाएगा। शी विल नॉट प्लान टू, वह योजना नहीं बनाएगी। इट विल नॉट प्लान टू, यह योजना नहीं बनाएगा। वी विल नॉट प्लान टू, हम योजना नहीं बनाएंगे। यू विल नॉट प्लान टू, आप योजना नहीं बनाएंगे। दे विल नॉट प्लान टू, वे योजना नहीं बनाएंगे। विल आई प्लान टू, क्या हम योजना बनाएंगे। विल ही प्लान टू, क्या वह योजना बनाएगा। विल शी प्लान टू, क्या वह योजना बनाएगी। विल इट प्लान टू, क्या यह योजना बनाएगा। विल वी प्लान टू, क्या हम योजना बनाएंगे। विल यू प्लान टू, क्या आप योजना बनाएंगे। विल दे प्लान टू, क्या वे योजना बनाएंगे। अब देखिए विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट, विल नॉट शॉर्ट फॉर्म वोंट। ठीक है, वोंट आई प्लान टू, क्या हम योजना नहीं बनाएंगे। वोंट आई प्लान टू, क्या वह योजना नहीं बनाएगा ही। वोंट शी प्लान टू, क्या वह योजना नहीं बनाएगी। वोंट इट प्लान टू, क्या यह योजना नहीं बनाएगा। वोंट वी प्लान टू, क्या हम योजना नहीं बनाएंगे। वोंट यू प्लान टू, क्या आप योजना नहीं बनाएंगे। वोंट दे प्लान टू, क्या वे योजना नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोग देखे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग सेंटेंस देखेंगे और मतलब समझेंगे कि कैसे प्लान टू का इस्तेमाल होता है। प्लान टू डिस्क्राइब समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू इन द नियर फ्यूचर। प्लान टू से आप क्या बता रहे हैं कि आप कुछ ही समय में, भविष्य में क्या करने का सोच रहे हैं। प्लान करना मतलब किसी चीज को करने का सोचना, हिंदी में इसको कहते हैं योजना बनाना। आई प्लान टू फाइंड अ न्यू अपार्टमेंट, मैं एक नया अपार्टमेंट खोजने की योजना बना रहा हूं। आई डू नॉट प्लान टू फाइंड अ न्यू अपार्टमेंट, मैं एक नया अपार्टमेंट खोजने का योजना नहीं बना रहा हूं।
अपार्टमेंट क्या होता है जहां आप लोग रहते हैं. डू आई प्लान टू फाइंड अ न्यू अपार्टमेंट, क्या मैं एक नया अपार्टमेंट खोजने की योजना बना रहा हूं. फाइंड करना मतलब खोजना. डोंट आई फाइंड आई प्लान टू फाइंड अ न्यू अपार्टमेंट, क्या मैं एक नया अपार्टमेंट खोजने की योजना नहीं बना रहा हूं. आई प्लान टू गो जाने की. आई प्लान टू गो, मैं जाने की योजना बना रहा हूं. आई डू नॉट प्लान टू गो, मैं जाने की योजना नहीं बना रहा हूं. डू आई प्लान टू गो, क्या मैं जाने की योजना बना रहा हूं. डोंट आई प्लान टू गो, क्या मैं जाने की योजना नहीं बना रहा हूं. आई प्लान टू रिलैक्स ऑन वेकेशन, रिलैक्स करना मतलब आराम करना, वेकेशन छुट्टी. आई प्लान टू रिलैक्स ऑन वेकेशन, मैं छुट्टी पर आराम करने की योजना बना रहा हूं. आई डू नॉट प्लान टू रिलैक्स ऑन वेकेशन, मैं छुट्टी पर योजना बन आराम करने की योजना नहीं बना रहा हूं. Do I plan to relax on vacations? क्या मैं छुट्टी पर आराम करने की योजना बना रहा हूँ. Don't I plan to relax on vacation? क्या मैं छुट्टी पर आराम करने की योजना नहीं बना रहा हूँ. I plan to take my vacation. Take मतलब लेना, vacation छुट्टी. I plan to take my vacation. मैं अपनी छुट्टी लेने की योजना बना रहा हूँ. I do not plan to take my vacation. मैं अपनी छुट्टी लेने की योजना नहीं बना रहा हूँ. Do I plan to take my vacation? क्या मैं अपनी छुट्टी लेने की योजना बना रहा हूँ. Don't I plan to take my vacation? क्या मैं अपनी छुट्टी लेने की योजना नहीं बना रहा हूँ. I plan to surprise my parents. Surprise करना मतलब आश्चर्यचकित करना. Parents माता पिता. I plan to surprise my parents. मैं अपने माता पिता को आश्चर्यचकित करने की योजना बना रहा हूँ. I do not plan to surprise my parents. मैं अपने माता पिता को आश्चर्यचकित करने की योजना नहीं बना रहा हूँ. Do I plan to surprise my parents? क्या मैं अपने माता पिता को आश्चर्यचकित करने की योजना बना रहा हूँ. Don't I plan to surprise my parents? क्या मैं अपने माता पिता को आश्चर्यचकित करने की योजना नहीं बना रहा हूँ. I plan to be there. There वहाँ. मैं वहां रहने की योजना बना रहा हूँ. I do not plan to be there. मैं वहां रहने की योजना नहीं बना रहा हूँ. Do I plan to be there? क्या मैं वहां रहने की योजना बना रहा हूँ. Don't I plan to be there? क्या मैं वहां रहने की योजना नहीं बना रहा हूँ. I plan to wash my car. Wash मतलब धोना. My car अपनी कार, गाड़ी. I plan to wash my car. मैं अपनी कार धोने की योजना बना रहा हूँ. I do not plan to wash my car. मैं अपनी कार धोने की योजना नहीं बना रहा हूँ. Do I plan to wash my car? क्या मैं अपनी कार धोने की योजना बना रहा हूँ. Don't I plan to wash my car? क्या मैं अपनी कार धोने की योजना नहीं बना रहा हूँ. I plan to visit. मैं यात्रा करने की योजना बना रहा हूँ. I do not plan to visit. मैं यात्रा करने की योजना नहीं बना रहा हूँ. Do I plan to visit? क्या मैं यात्रा करने की योजना बना रहा हूँ. Don't I plan to visit? क्या मैं यात्रा करने की योजना नहीं बना रहा हूँ. I plan to adopt a child. मैं एक बच्चे को अपनाने की योजना बना रहा हूँ. Adopt करना मतलब अपनाना या गोद लेना. I do not plan to adopt a child. मैं एक बच्चे को अपनाने की योजना नहीं बना रहा हूँ. Do I plan to adopt a child? क्या मैं एक बच्चे को अपनाने की योजना बना रहा हूँ. Don't I plan to adopt a child? क्या मैं एक बच्चे को अपनाने की योजना नहीं बना रहा हूँ. I plan to do something. मैं कुछ करने की योजना बना रहा हूँ. Something means कुछ. Do करना. I plan to do something. मैं कुछ करने की योजना बना रहा हूँ. I do not plan to do something. मैं कुछ करने की योजना नहीं बना रहा हूँ. Do I plan to do something? क्या मैं कुछ करने की योजना बना रहा हूँ. Don't I plan to do something? क्या मैं कुछ करने की योजना नहीं बना रहा हूँ. I plan to impress my boss. Impress करना, प्रभावित करना. My boss अपने मालिक को. I plan to impress my boss. मैं अपने मालिक को प्रभावित करने की योजना बना रहा हूँ. I do not plan to impress my boss. मैं अपने मालिक को प्रभावित करने की योजना नहीं बना रहा हूँ. Do I plan to impress my boss? क्या मैं अपने मालिक को प्रभावित करने की योजना बना रहा हूँ. Don't I plan to impress my boss? क्या मैं अपने मालिक को प्रभावित करने की योजना नहीं बना रहा हूँ. I plan to work. मैं काम करने की योजना बना रहा हूँ. I do not plan to work. मैं काम करने की योजना नहीं बना रहा हूँ. Do I plan to work? क्या मैं काम करने की योजना बना रहा हूँ. Don't I plan to work? क्या मैं काम करने की योजना नहीं बना रहा हूँ. I plan to watch a movie. मैं एक फिल्म देखने की योजना बना रहा हूँ. I do not plan to watch a movie. मैं एक फिल्म देखने की योजना नहीं बना रहा हूँ.
डू आई प्लान टू वॉच अ मूवी, क्या मैं एक फिल्म देखने की योजना बना रहा हूँ. डोंट आई प्लान टू वॉच अ मूवी, क्या मैं एक मूवी फिल्म देखने की योजना नहीं बना रहा हूँ. आई प्लान टू गेट ड्रंक, मैं नशे में जाने की योजना बना रहा हूँ. ड्रंक होना मतलब नशा करना, नशे में जाना. आई डू नॉट प्लान टू गेट ड्रंक, मैं नशे में जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ. डू आई प्लान टू गेट ड्रंक, क्या मैं नशे में जाने की योजना बना रहा हूँ. डोंट आई प्लान टू गेट ड्रंक, क्या मैं नशे में जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ. आई प्लान टू सेव मोर मनी, मैं अधिक पैसे बचाने की योजना बना रहा हूँ. सेव करना मतलब बचाना, मोर अधिक, मनी पैसा. आई प्लान टू सेव मोर मनी, मैं अधिक पैसे बचाने की योजना बना रहा हूँ. आई डू नॉट प्लान टू सेव मोर मनी, मैं अधिक पैसे बचाने की योजना नहीं बना रहा हूँ. डू आई प्लान टू सेव मोर मनी, क्या मैं अधिक पैसे बचाने की योजना बना रहा हूँ. डोंट आई प्लान टू सेव मोर मनी, क्या मैं अधिक पैसे बचाने की योजना नहीं बना रहा हूँ. आई प्लान टू गेट प्रेगनेंट, मैं गर्भवती होने की योजना बना रही हूँ. आई डू नॉट प्लान टू गेट प्रेगनेंट, मैं गर्भवती होने की योजना नहीं बना रही हूँ. डू आई प्लान टू गेट प्रेगनेंट, क्या मैं गर्भवती होने की योजना बना रही हूँ. डोंट आई प्लान टू गेट प्रेगनेंट, क्या मैं गर्भवती होने की योजना नहीं बना रही हूँ. आई प्लान टू रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ने की योजना बना रही हूँ या रहा हूँ. आई डू नॉट प्लान टू रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ने की योजना नहीं बना रहा हूँ. डू आई प्लान टू रीड अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ने की योजना बना रहा हूँ. डोंट आई प्लान टू रीड अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ने की योजना नहीं बना रहा हूँ. आई प्लान टू गेट मैरिड, मैं शादी करने की योजना बना रहा हूँ. आई डू नॉट प्लान टू गेट मैरिड, मैं शादी करने की योजना नहीं बना रहा हूँ. डू आई प्लान टू गेट मैरिड, क्या मैं शादी करने की योजना बना रहा हूँ. डोंट आई प्लान टू गेट मैरिड, क्या मैं शादी करने की योजना नहीं बना रहा हूँ. आई प्लान टू लर्न न्यू थिंग्स, मैं नई चीजें सीखने की योजना बना रहा हूँ. आई डू नॉट प्लान टू लर्न न्यू थिंग्स, मैं नई चीजें सीखने की योजना नहीं बना रहा हूँ. डू आई प्लान टू लर्न न्यू थिंग्स, क्या मैं नई चीजों को सीखने की योजना बना रहा हूँ. डोंट आई प्लान टू लर्न न्यू थिंग्स, क्या मैं नई चीजें सीखने की योजना नहीं बना रहा हूँ. तो देखिए यहाँ पे आप क्या सीखिए कि क्या क्या चीज का आप प्लानिंग कर सकते हैं. आप सोचिए, आप घर में हैं, हाउस होम, आप क्या क्या चीज का प्लानिंग कर सकते हैं. स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन सेंटर में आप क्या प्लानिंग करेंगे. ऑफिस में आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं या क्या प्लानिंग नहीं कर सकते. अस्पताल में, डॉक्टर के पास, दवाई के दुकान में आप क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं. आप घूमने गए हैं तो आप क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं. आप मार्केट में हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आप क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं. आप मूवी हॉल में हैं, मॉल में हैं तो आप क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं. आप मैदान में हैं, प्लेग्राउंड, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं तो आप क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं. तो ये सारा सेट्स को आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, और बनाना है आई प्लान टू, और उसके साथ ही प्लान्स टू, शी प्लान्स टू, इट प्लान्स टू, वी प्लान टू, यू प्लान टू, दे प्लान टू. ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में आई डिड प्लान, सब में डिड प्लान लगेगा, फ्यूचर में विल, ठीक है. तो इस हिसाब से ये सेट होता है, बहुत ही आसान है. जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से सीखेंगे. तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए, और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का डे 15 यहाँ ख़त्म होता है. डे 16 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए.